हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हर साल अश्विन अमावस्या के समाप्त होने के बाद शारदीय नवरात्रों का आरंभ भी हो जाता है। अश्विन अमावस्या की तिथि के अगले ही दिन प्रतिपदा तिथि के साथ माँ दुर्गा को समर्पित 9 दिनों तक चलने वाले शारदीय नवरात्रों का पर्व मनाया जाता है। लेकिन शास्त्रों और ज्योतिष की माने तो साल 2020 में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ज्योतिष अनुसार इस साल करीब 165 साल बाद ऐसा अद्भुत संयोग बन रहा है जिस कारण अश्विन अमावस्या और नवरात्रों के बीच 1 महीने का अंतर हो जाएगा। आज की वीडियो में हम जानेंगे अश्विन अमावस्या और नवरात्रों में आने वाले इसी अद्भुत संयोग के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल को अपना प्यार देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को शारदीय नवरात्रि शुरू होती हैं, लेकिन इस साल ऐसा नहीं होगा। इस साल अश्विन अमावस्या खत्म होने के बाद नवरात्रि शुरू नहीं होंगे। करीब 165 साल बाद ऐसा संयोग पड़ रहा है कि अश्विन अमावस्या समाप्त होते ही नवरात्रि शुरू नहीं होंगे, बल्कि अधिक मास लग जाएगा। अधिक मास के खत्म होने पर शारदीय नवरात्रि शुरू होंगे, यानी कि इस बार नवरात्रि का जो पर्व है 25 दिन आगे खिसक गया है। यानी कि अश्विन माह की जो अमावस्या है वो 17 सितंबर को होगी और 18 सितंबर से अधिक मास शुरू हो जाएगा। ये अधिक मास 16 अक्टूबर तक चलेगा और इसके अगले दिन यानी 17 अक्टूबर शनिवार को शारदीय नवरात्र शुरू होंगे। रामनवमी 24 अक्टूबर को मनाई जाएगी। हिंदू धर्म में नवरात्रि का खास महत्व होता है और अब की बार नवरात्रि का जो पर्व है वो 25 दिन आगे खिसक गया है, यानी कि 17 अक्टूबर शनिवार से शारदीय नवरात्रि शुरू होंगे। साल में 4 बार नवरात्रि आते हैं, चैत्र और शारदीय के अलावा 2 गुप्त नवरात्रि भी आते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान माँ के 9 स्वरूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री, ये 9 देवियां हैं, इनकी पूजा की जाती है। पहले दिन घट स्थापना होती है और माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। दोस्तों, ये साल जो है ज्योतिष के अनुसार लीप वर्ष होने के कारण ऐसा हो रहा है कि इस बार अश्विन अमावस्या के समाप्त होते ही अधिक मास लग जाएगा, जिस कारण ऐसे में नवरात्र और अमावस्या के बीच में 1 महीने का अंतर आ जाएगा। इसके अलावा इस बार चतुर्मास जो कि 4 महीने का होता है उसकी अवधि भी बढ़कर इस बार 5 महीने की होगी। ऐसा संयोग 165 साल बाद बना है और जब अमावस्या पक्ष है, जो अश्विन माह की अमावस्या है, 1 महीने बाद दुर्गा पूजा का आरंभ होगा। इस साल मतलब 17 सितंबर को अमावस्या होगी और 17 सितंबर के बाद जो अश्विन माह की अमावस्या है उसके बाद मतलब नवरात्रि के स्थान पर अधिक मास लग जाएगा, इसलिए नवरात्रि अब की बार देर से शुरू होंगे। ज्योतिष के अनुसार 2020 में 17 सितंबर को अश्विन
अमावस्या यानी कि जब ये अमावस्या समाप्त होगी तो अगले दिन अधिक मास शुरू हो जाएगा, जो कि 16 अक्टूबर तक चलेगा। इसके बाद 17 अक्टूबर शनिवार के दिन से शारदीय नवरात्र शुरू होंगे। जी हाँ, और 24 अक्टूबर तक शनिवार के दिन, मतलब 17 अक्टूबर से नवरात्र शुरू होंगे और 24 अक्टूबर शनिवार के दिन रामनवमी का पर्व मनाया जाएगा। पंचांग में ऐसा भी बताया गया है कि पंचांग की यदि माने तो इस साल अश्विन माह में अधिक मास होगा और अधिक मास होने के कारण इस बार 14 नवंबर को दीपावली मनाई जाएगी और अधिक मास होने के कारण इस साल चतुर्मास 5 महीने का होगा। इसके बाद 25 नवंबर को देव उठनी एकादशी मनाई जाएगी, जिसके साथ ही चतुर्मास समाप्त होगा। और इसके बाद उन सभी शुभ कार्यों, जैसे कि विवाह है, मुंडन है, मुंडन संस्कार है, ये सब मंगल कार्य की शुरुआत हो जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, लाइक करने में पैसे खर्च नहीं होते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक करने में कंजूसी न कीजिएगा और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि औरों को भी इस जानकारी से लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और दोस्तों, अगर आप किसी अन्य विषय पर भी जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। हर हर महादेव। जय माता दी।